दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों गूगल ने एक बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे लोग जब देख रहे हैं तो उसे अपने फ़ोन में तुरंत डाउनलोड कर ले रहे हैं। इतना कमाल का ही है ना कि लोग देखने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये नया एप्लीकेशन है और वो भी गूगल का है तो क्यों ना आप लोग को बताना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चले बैठा वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर दोस्तों ये वो एप्लीकेशन है, तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नॉर्मली ये गैलरी टाइप का ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके जब फीचर्स के बारे में आप जानेंगे ना तो आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। सो अगर दोस्तों आप इस ट्रिक को अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को सबसे पहले कर देना होगा लाइक और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। इसके बगल में एक घंटे का आइकन आ जाएगा तो आपको इसे दबाकर यहाँ से ऑल कर लेना होगा दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर आपको एक कमेंट करना होगा जैसे कि नाइस ऑसम, या फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना होगा ताकि मैं जान सकूँ कि आप जो है हमारा वीडियो देखते हैं, मैं आपका जो है नाम पढ़ सकूँ। तो यहाँ पर आप कुछ भी एक कमेंट कर दें, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, उसे लाइक करता हूँ और उसे हर्ट देता हूँ। ओके, तो चलिए जानते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ पर ये एप्लीकेशन अपने से दिमाग लगा लेता है कि आपका कैसा फोल्डर है, आपका कैसा फ़ोटो है और आपके फ़ोटो को किस फोल्डर में होना चाहिए, जिससे कि इसमें आपको फ़ोटो को खोजने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि अगर आपके पास चार पांच कोई एनिमल का फ़ोटो है तो ये गैलरी जो है वो अपने आप दिमाग लगा लेता है कि ये एनिमल का फ़ोटो है और उसको कोई अलग फोल्डर में रख देता है। अगर आपका फ्रेंड्स ग्रुप फ़ोटो है तो वो समझ जाता है कि ये ग्रुप वाला फ़ोटो है, इसे अलग फोल्डर में रहना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन क्या करता है, अलग कोई फोल्डर बना देता है और आपके ग्रुप फ़ोटो को अलग कोई फोल्डर में डाल देता है, जिससे कि आपको अपना फ़ोटो चूज करने में, अपना फ़ोटो सेलेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो और भी इसमें आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर फोल्डर में जाते हैं तो यहाँ पर आपके सारे फोल्डर वाले जितने भी फ़ोटोज़ रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो सारा आपको फोल्डर मिल जाएगा, जैसे कि इस कौन सा फ़ोटो को किस फोल्डर में रहना चाहिए, तो यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर आपको फ़ोटो पे अलग अलग इफेक्ट देना है तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्लिक पर आप अपने फ़ोटो को बेहद ही चमकदार बना सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ऑटो, तो सिंपली आपको ऑटो पे क्लिक करना है और करने के बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो कितना कमाल का लगेगा भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्मली ये पहले से है लेकिन यहाँ पर एडिट करने के बाद ऐसा हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि एडिट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग फिल्टर्स भी मिल जाते हैं इस एप्लीकेशन में, आपको अदर एप्लीकेशन क्या इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको गैलरी में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है और ये देखिए अलग अलग यहाँ पर फिल्टर भी आप जो है वो लगा सकते हैं और अपने फ़ोटो को बेहद ही कमाल का बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप अपने फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं मैजिक टाइप में और यहाँ पर रोटेट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इस एप्लीकेशन में अभी और भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और बहुत ही कमाल के इसमें अभी अपडेट आने वाले हैं। थ्री डॉट्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर इस गैलरी का सेटिंग्स भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसमें डार्क थीम का भी एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप इसे डार्क मोड में भी कर सकते हैं जो कि देखने में बेहद ही ऑसम लगेगा, है ना। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ट्राई कीजिए। और वैसे भी गूगल का है, बहुत ही कमाल का गूगल का ऐप कोई भी होता है।